अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक देख लेते हैं हम पहले. यस, फीमेल गैमेटोफाइट इन ए मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल व्हाइल द अदर थ्री डिजर्नेट. एक मेगास्पोर फंक्शनल रहती है और जबकि तीन मेगास्पोर डिजर्नेट हो जाती हैं. ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इन टू द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक. दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फॉर्म्स ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. ठीक, तो इसमें क्या है, पहले ही डेफिनेशन आ गई है किसकी, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की. कह रहे हैं कि केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक का बनना क्या कहलाता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है. व्हाट विल बी द प्लॉयडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस. ठीक है, तो न्यूसेलस जो एक टिश्यू है जो कि ओव्यूल के अंदर होता है, इस टिश्यू में जो सेल्स हैं उनकी प्लॉयडी क्या है. हम जानते हैं सारी सेल्स कैसी हैं, डिप्लॉयड हैं, और उन्हीं सेल में से एक सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेती है और क्या कहलाती है, मेगास्पोर मदर सेल. तो वो भी क्या हुई, 2N यानी कि डिप्लॉयड हुई. और इस मेगास्पोर मदर सेल से एक फंक्शनल मेगास्पोर बनती है, और वो फंक्शनल मेगास्पोर जो बनती है वो बनती है आफ्टर मियोसिस डिवीजन. तो इसलिए ये फंक्शनल मेगास्पोर ये हो जाती है हैप्लॉयड. अब इसी फंक्शनल मेगास्पोर से माइटोसिस डिवीजन के द्वारा फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियोसैक बनता है. तो वो भी क्या होगा, अगेन वो भी हैप्लॉयड होगा. उसकी प्लॉयडी भी कैसी होगी, हैप्लॉयड होगी. आइए अब इस पेज पर हम देखते हैं. लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक इन ए लिटिल मोर डिटेल. देखिए, द न्यूसेलस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली. जो फंक्शनल मेगास्पोर सेल है उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा माइटोटिकली, और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई बनेंगे, और वो दोनों न्यूक्लियाई अपोजिट पोल्स पर मूव हो जाएंगे फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक. ठीक है, अब जो अभी जो एम्ब्रियोसैक बनेगा वो कैसा होगा, टू न्यूक्लिएट होगा, टू मोर सिक्वेंशियल. सिक्वेंशियल से मतलब यहाँ पर एक के बाद एक दो माइटोटिक डिविजन्स और होंगे, और जिसकी वजह से पहले चार न्यूक्लिएट और फिर आठ न्यूक्लिएट स्टेज आएगी किसकी, एम्ब्रियोसैक की, यानी लास्ट में एट न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बनेगा. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं किसकी. इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर. यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, इसका मतलब यह है कि जब माइटोटिक डिविजन होगा तो केवल कैरियोकाइनेसिस होगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का फॉर्म एक से दो, दो से चार और चार से आठ न्यूक्लियस बनेंगे, न्यूक्लियाई बनेंगे, लेकिन साइटोप्लाज्मा डिविजन नहीं होगा. That is, nuclear divisions are not followed immediately by the cell wall formation. कहने का मतलब यह है कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर साइटोप्लाज्म का, फिर न्यूक्लियस का, ऐसे नहीं होगा. पहले एक साथ सारे के सारे न्यूक्लियस बनेंगे, उसके बाद में एक साथ सेल वॉल फॉर्मेशन होगा और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. आफ्टर द एट न्यूक्लियट स्टेज सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक. जब एट न्यूक्लिएट स्टेज आ जाएगी उसके बाद में सेल वॉल बनेगी. ठीक है, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और इस तरीके से एक सामान्य टिपिकल यानी कि सामान्य फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा. ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियोसैक. अब एम्ब्रियोसैक के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हैं. सिक्स ऑफ द एट न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल्स. तो जो एट न्यूक्लियस होंगे या एट न्यूक्लियाई होंगे एम्ब्रियोसैक के अंदर, उनमें से छह न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरीके से छह सेल बन जाएंगी एंड ऑर्गेनाइज इनटू द सेल्स. द रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई और जो बचे हुए सेंटर में बचे हुए दो न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई कहलाएंगे. द सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल. और ये दो पोलर न्यूक्लियाई किसके नीचे होंगे, ये अगर ये दिस इज व्हाट, अभी मैं आपको थोड़ा डायग्राम में भी पूरा अच्छे से समझाऊंगी. तो ये क्या है, एग एपरेटस है, और इसके जस्ट नीचे ये क्या है, सेंट्रल सेल. ये एक पूरी एक लार्ज सेंट्रल सेल है, ये दिस इज द लार्ज सेंट्रल सेल, और इसके अंदर ये दो पोलर न्यूक्लियाई है. क्लियर.
देयर इज ए करेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक. थ्री सेल्स आर ग्रुप टूगेदर एट द माइक्रोपाइल एंड कॉन्स्टिट्यूट द एग एपरेटस. और ये वाला जो एंड है एम्ब्रियो, पूरा एम्ब्रियो सैक है, ठीक है. और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये वाला जो एंड है ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर सिरा है. और इस सिरे की तरफ ये जो तीन सेल्स का ग्रुप है इस ग्रुप को हम क्या करें, एग एपरेटस. द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ टू सिनर्जिड एंड वन एग सेल. और इस ये जो पूरा एग एपरेटस है इसमें दो सिनर्जिड सेल होंगे, यानी ये सेल, ये पूरी सेल और एक ये सेल, ये दो सिनर्जिड सेल है. और ये एक जो पीछे की तरफ है ये एक एग सेल है. थ्री सेल्स आर एट द चलाजल एंड. और ये ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये वाला जो सिरा होगा ये चलाजल एंड होगा. और यहाँ पर ये जो तीन सेल्स हैं जो कि सेल वॉल की वजह से क्या हुई है, ऐसे डिफ्रेंशिएट हुई है, एक दो तीन सेल वॉल फॉर्मेशन की वजह से, तो इनको हम एंटीपोडल्स कहेंगे. द लार्ज सेंट्रल सेल. और ये जो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल वॉल है. और ये जो पूरी एक लार्ज सेंट्रल सेल है, ये जो पूरी लार्ज सेंट्रल सेल है इसमें ये दो न्यूक्लियस है, दो पोलर न्यूक्लिया है. इनको पोलर न्यूक्लिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक न्यूक्लियस इस पोल से इधर आया है और एक न्यूक्लियस इस वाले पोल से इधर आया है, ठीक है. Has two polar nuclei. That's a typical angiosperm embryo sac. और इस तरीके से एक सामान्य जो angiosperm का embryo sac होगा वो कैसा होगा, nucleus कितने 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nucleus 8 है, लेकिन cell कितनी है, cell 7 है. कैसे, तीन cell इधर है, एक cell, दो cell, तीन cell, चार सेल, पांच सेल और छह सेल. और ये पूरी क्या है, ये पूरी एक लार्ज सेंट्रल सेल जिसके अंदर ये दो पोलर न्यूक्लियाई है. तो इस तरीके से मेच्योरिटी पर जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसा हो जाता है, 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड. इज दैट क्लियर. अब इसी चीज को, ये जो हमने पढ़ा है और समझा है, इसको हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं और पढ़ लेते हैं. क्लियर, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये टिश्यू है, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये टिश्यू इसके अंदर होता है. ये पूरा टिश्यू होता है न्यूसेलस के अंदर, सॉरी इस टिश्यू का नाम क्या है, न्यूसेलस इसका नाम है. और न्यूसेलस हम जानते हैं ये किसके अंदर होता है, ओव्यूल के अंदर होता है. तो इस न्यूसेलस टिश्यू की जितनी भी सेल्स हैं, इन सेल्स में से कोई एक सेल एनलार्ज हो गई है, उसने बाकी की सेल्स से अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया है, इट बिकम्स एनलार्ज. और ये एनलार्ज सेल ये बीच में ऐसे दिखाई हुई है और ये इसके अंदर बड़ा सा ये क्या है, न्यूक्लियस है. और इस बड़ी सेल को, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, इसको हम मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं, क्योंकि इस सेल से एक फंक्शनल मेगास्पोर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा. और ये मेगास्पोर मदर सेल इसकी प्लॉयडी कैसी है, 2n. इज दैट क्लियर. अब आइए अब हम देखते हैं कि अब इस फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा. क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, जिसकी वजह से दो, अब इसमें दो सेल बन जाएंगी, एक सेल ये जो न्यूक्लियस है और एक सेल ये हो गई, ठीक है. तो ये क्या हो गया, मेगास्पोर डायड कह दिया इसको हमने, क्या कह दिया, मेगास्पोर डायड. क्लियर. अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा. क्या होगा, मियोसिस सेकंड. तो यहाँ से इसमें हम ये कहेंगे यहाँ पर क्या हो गया, ये हम जानते हैं जो मियोसिस डिवीजन होता है वो होता है दो स्टेजेस में, यानी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड. और इसके दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, यानी अगर कोई सेल डिप्लॉयड है और वो सेल डिवाइड कर रही है तो उसका न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा तो वो न्यूक्लियस डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है. तो ये क्या है, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, ठीक है. और जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो एक सेल से ये दो सेल बन गई है. और यहाँ पर ये 2n है, लेकिन ये अब ये दोनों सेल कैसी होंगी, nn होंगी. कैसी होंगी, nn, यानी कि हैप्लॉयड. अब यहाँ पर ये हैप्लॉयड है और चूंकि दो सेल दो मेगास्पोर बनी है यहाँ पर, तो ये डायड मेगास्पोर हो गया. अब देखिए अब क्या होगा, अब होगा मियोसिस सेकंड. अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड, ठीक है. जो मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है वो माइटोसिस जैसा होता है. क्लियर. अब इन दो सेल से अब चार सेल बनेंगी, 1, 2, 3, 4. तो अब ये जो चार सेल है इनके अंदर एक एक न्यूक्लियस है. यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस हुआ है. क्लियर. फिर क्या हुआ है, साइटोकाइनेसिस साथ के साथ. और इस तरीके से दो दो सेल बन गई. यहाँ पर भी कैरियोकाइनेसिस हुआ है और साइटोकाइनेसिस.
तो पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुए तो दो न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियस बन गए, और क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया सेल वॉल फॉर्मेशन से, और इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया और एक दो तीन चार, चार सेल बन गई है। क्लियर। अब इन चार सेल में से तीन सेल, ये तीन सेल क्या हो गई, डिजनेट हो गई, और ये एक सेल बची जिसके अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है, और इसी एक सेल को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। क्या कहेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। और अब इस फंक्शनल मेगास्पोर को हम इधर की तरफ ले आते हैं, सो दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर, ये वाली जो है। अब इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, और क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, केवल क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा अगेन, ठीक है, और क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। जब कैरियोकाइनेसिस हुआ है तो यहाँ पर क्या है, ये एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस हो गए, फिर से कैरियोकाइनेसिस हुआ, दो न्यूक्लियस से क्या हो गए, चार न्यूक्लियस हो गए, फिर से कैरियोकाइनेसिस हुआ तो चार न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस हो गए, आठ न्यूक्लियस हो गए। तो जब पहली बार कैरियोकाइनेसिस हुआ है तो क्या होगा, यहाँ तक तो फंक्शनल ये मेगास्पोर बन गई है, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड है, फंक्शनल मेगास्पोर जिसके अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है, ठीक है। ये बाकी की सेल्स हैं, ये क्या है, इसी ये वाली जो सेल है फंक्शनल मेगास्पोर, ये वाली, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसको हमने इधर ले आए, ठीक है, ये दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर ओनली दिस। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस कैसा है, हैप्लॉइड है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा, इस फंक्शनल मेगास्पोर को हमने यहाँ पर ये बड़ा बना लिया है, ठीक है, इसको इतना बड़ा बना लिया है ऐसे करके, और केवल न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, एक से दो न्यूक्लियस बनेंगे तो ये दोनों न्यूक्लियस पोल पे चले जाएंगे, यानी सेंटर में नहीं रहेंगे, एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा और एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आई, ठीक है। और अगर आप इस कंडीशन में, इस स्टेज पे इसको टू न्यूक्लियाई, कितना, टू न्यूक्लियाई एम्ब्रियोसैक भी कह सकते हैं इसको, इसको क्या कह सकते हैं, टू न्यूक्लियाई एम्ब्रियोसैक, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा और केवल कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी साइटोप्लाज्म में डिवीजन नहीं है, तो दो न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियस बन गए, और फिर से कैरियोकाइनेसिस होगा, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन, और चार से आठ न्यूक्लियस बन गए। अब क्या होगा कि ये इस वाले सिरे पे चार न्यूक्लियस, इस वाले सिरे पे भी चार न्यूक्लियाई है, क्लियर, तो दोनों सिरों से एक एक न्यूक्लियाई यहाँ सेंटर में आ जाएगा, तो इधर भी तीन न्यूक्लियाई बचे, एक दो तीन, और इधर भी एक दो तीन, इधर भी ये तीन न्यूक्लियाई बचे, और बीच में दो पोलर, क्योंकि पोल से आए हैं ये, एक चलाजल एंड से आया है और एक, सॉरी, एक चलाजल एंड से आया है और एक माइक्रोपाइलर एंड से आया है, तो ये बीच में दो क्या हो गए, ये बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई हो गए, क्लियर। अब क्या है, यहाँ पर इन्होंने उल्टा कर दिया है, यहाँ पर इस तरफ क्या है, चलाजल एंड दिखाया है, इधर माइक्रोपाइलर, अब इसको उल्टा कर दिया है, इधर ऊपर चलाजल एंड कर दिया है, नीचे माइक्रोपाइलर एंड कर दिया है, क्लियर। दूसरा क्या है कि अब क्या है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, अब चूंकि अब इसके अंदर एट न्यूक्लियस हैं और सेल वॉल का भी फॉर्मेशन इसके अंदर हो गया है, तो इसको हम मेगास्पोर नहीं बोलेंगे, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। और इसके अंदर चूंकि ऑलरेडी तीन इधर की तरफ और तीन इधर की तरफ सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है, तो इधर जो सेल्स बनी है उनमें दो सिनर्जिक सेल होंगी और एक एग सेल होगी, और इधर ये तीन एंटीपोडल सेल हो गई, क्लियर। और ये जो बीच में ये जो स्पेस है जिसमें साइटोप्लाज्म भरा है और ये क्या है, दो न्यूक्लियाई हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई, तो इसको भी हम क्या कह देंगे, एक लार्ज सेंट्रल सेल कह देंगे। तो ये एक लार्ज सेंट्रल सेल होगी जिसमें ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, और चलाजल एंड पर ये तीन एंटीपोडल सेल हो गई है, और इधर की तरफ आप देखें दो सिनर्जिक सेल है, और ये जो सिनर्जिक सेल है, ठीक है, इन सेल्स की जो सेल वॉल है ये कैसी अंदर की तरफ इनफोल्डिंग लिए हुए है, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, और इन फिंगर लाइक जो थिक एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इनको हम कह रहे हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये पोलन ट्यूब को अंदर आने में हेल्प करती है, ठीक है। दूसरा ये पोलर न्यूक्लियाई है, दिस इज लार्ज सेंट्रल सेल, और ये पीछे दो ये जो सिनर्जिक सेल हैं, ये एक ये सेल है, एक ये है, ये तो वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस हो गया,
इसके इन दोनों के पीछे ये एक एग सेल है, ये चलाजल एंड पर ये क्या है, एक दो ये तीन एंटीपोडल सेल है। जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये ग्रोइंग एम्ब्रियो सैक को नरिश करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और साथ ही साथ जो एंडोस्पर्म किससे लार्ज सेंट्रल सेल से जो एंडोस्पर्म का निर्माण होगा, तो एंडोस्पर्म के निर्माण में भी ये क्या करते हैं, एंटीपोडल सेल्स क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और एंड में ये क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर एक फंक्शनल मेगास्पोर है जिसके अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है, और उस हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के अंदर बार बार कैरियोकाइनेसिस हुई है, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, और तब जाके वो किस में कन्वर्ट हो गई है, एम्ब्रियो सैक में वो कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो सैक का वो क्या कहलाएगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट से कि स्टूडेंट को ये पेज नंबर 26 और ये पेज नंबर 27 ये दिस पेज नंबर अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, और इससे नेक्स्ट जो क्या कहते हैं टॉपिक हमारा होगा वो होगा हमारा 3 टाइप ऑफ एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, यानी सॉरी एंडोस्पोरिक नहीं, ये एम्ब्रियो सैक। हाँ, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ 3 टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेल। सो टिल देन थैंक यू सो मच। हम स्टार्ट करते हैं मेगास्पोर मदर सेल से। किससे स्टार्ट करते हैं? मेगास्पोर मदर सेल से। क्लियर। देखिए ओव्यूल होता है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जो टिश्यू होगा उसको हम कहेंगे न्यूसेलस। क्या कहेंगे? न्यूसेलस। क्लियर। ठीक है, न्यूसेलस जो टिश्यू है, इस टिश्यू में से कोई एक सेल अपने आप को बाकी की सेल से अलग कर लेती है, डिफरेंशिएट कर लेती है। ये इसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाता है, अपने आसपास की सेल से ये साइटोप्लाज्म गेन करके बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, और ये एक सेल क्या कहलाती है, मेगास्पोर मदर सेल। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं क्या, मेगास्पोर मदर सेल। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इट इज डिप्लॉयड, हम जानते हैं ये इसका न्यूक्लियस है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल से पहले क्या बनेगी, मेगास्पोर बनेगी, और फिर फंक्शनल मेगास्पोर, और फिर फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसके अंदर क्या होगा, पहले मियोसिस डिवीजन होगा। क्या होगा? मियोसिस। हम जानते हैं मियोसिस डिवीजन दो स्टेजेस में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। ठीक है, जब भी सेल डिवीजन होता है तो उसमें दो इवेंट होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के दौरान केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो यहाँ पर केवल कैरियोकाइनेसिस होगा। इज दैट क्लियर? अब इसको हम यहाँ बना लेते हैं। जब कैरियोकाइनेसिस हुआ है तो हम ये जानते हैं कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसका मतलब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने, और ये दोनों न्यूक्लियस कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। ये कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर न्यूक्लियस कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा, अब मियोसिस सेकंड होगा। अब क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा, और अगेन क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, और जिसकी वजह से अब क्या होगा, दो न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियस बन गए, या एक तरीके से हम कहेंगे क्या, चार न्यूक्लियाई बन गए। इज दैट क्लियर? और इस तरीके से ये जो मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर, दिस इज अ फंक्शनल मेगास्पोर नाउ। ठीक है, क्योंकि अब इस मेगास्पोर से अब क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। क्या बनेगा इससे? एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा, फंक्शनल मेगास्पोर। इस मेगास्पोर का, इस मेगास्पोर को आप सीनो मेगास्पोर भी कह सकते हो। मेगास्पोर वो इसलिए क्योंकि इस सेल के अंदर ये कैसी है, मल्टी न्यूक्लियेटेड है, एक से ज्यादा हैप्लॉइड हैं, चार न्यूक्लियस इसमें एक से ज्यादा हैं जो कि हैप्लॉइड हैं। इज दैट क्लियर? ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इससे मेगा इस फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है। देखिए अब क्या होगा, फिर से अगेन एक और माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा, और अगेन क्या होगा,
कैरियोकाइनेसिस होगा। तो चार न्यूक्लियस से जो चार ये न्यूक्लिया ही हैं, इनसे आठ न्यूक्लिया बन जाएंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। इज दैट क्लियर? आठ न्यूक्लिया हो गए यहाँ पर। लेकिन जो डिवीजन होगा वो माइटोसिस डिवीजन होगा, और इवेंट इसमें केवल क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। और उसके बाद में अब क्या होगा, ये एट न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर हो गई है। क्या हो गई? एट न्यूक्लिएटेड मेगास्पोर, या आप इसको कह सकते हो एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो चार न्यूक्लिया है इनसे एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, और इधर वाले जो चार है इनमें से एक सेंटर में आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने ये बना दिया है, ठीक है। तो ये जो ऊपर के ये चार हैं, इनमें से एक न्यूक्लियस जो है वो बीच में आ गया, और बाकी के ये तीन ऊपर हैं, ठीक है। ऐसे ही ये जो नीचे के चार हैं, इनमें से तीन न्यूक्लियस तो ये नीचे हैं और एक न्यूक्लियस ये सेंटर में आ गया, क्लियर। और अब क्या होगा कि चारों तरफ क्या होगा, ये सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, और जिससे कि ये तीन सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सपोज दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड एंड दिस इज द चलाजल एंड, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर भी ये सेल वॉल की वजह से, सेल वॉल फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर ये सेल्स जो हैं बन गई हैं, इनका फॉर्मेशन हो गया है। तो चलाजल एंड की तरफ ये जो तीन सेल्स बनी हैं, इनको हम कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं एंटीपोडल सेल। और ये बीच में, और ये एक पूरी अपने आप में एक सेल है ही, और जिसमें ये जो साइटोप्लाज्म है और इसमें ये दो न्यूक्लियस है, तो ये एक लार्ज सेंट्रल सेल हो गई जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई हैं। इधर देखते हैं हम, ये पूरा जो है एक माइक्रोपाइलर एंड पे ये तीन सेल का जो ग्रुप है, इसको आप एग एपरेटस कह सकते हो, जिसमें कि दो सिनर्जिड होंगी और एक एग सेल होगी। इज दैट क्लियर? और इस तरीके से हमारा ये एम्ब्रियो सैक बन जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से जो एम्ब्रियो सैक बना है, ये किससे बना है, एक फोर न्यूक्लिएटेड, क्या, फोर न्यूक्लिएटेड मेगा फंक्शनल मेगा स्पोर से बना है, ठीक है। ये जो मेगा स्पोर है इसमें चार हैप्लोइड न्यूक्लियाई हैं, कितने, चार हैप्लोइड न्यूक्लियाई हैं, जिससे कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण हुआ है। इसलिए इस तरीके के निर्माण को, इस तरीके के डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं, बाई स्पोरिक, क्या। तो ये क्या था हमारा, टेट्रास्पोरिक, टेट्रा स्पोरिक। नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज एडॉक्सा, ठीक। अब हम देखते हैं बाई स्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, क्लियर। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको करूंगी। तो हम शुरू से लेते हैं, ये हमने क्या ले ली, दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन हुआ। मियोसिस डिवीजन में पहला स्टेज क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक है। इसमें कैरियोकाइनेसिस भी होगा और साइटोकाइनेसिस भी होगा, ठीक। अब देखिए, जब कैरियोकाइनेसिस भी हुआ और साइटोकाइनेसिस भी हुआ, तो दो सेल ये बन गई, ठीक है। इसको आप डायड भी कह सकते हो, डायड मेगास्पोर भी आप इसको कह सकते हो। अब क्या होगा, अब मियोसिस सेकंड होगा, क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। लेकिन मियोसिस सेकंड होने से पहले ये क्या होगा, इनमें से एक सेल ये क्या हो जाएगी, डिजर्नेट हो जाएगी, क्लियर। अब केवल एक सेल बची, ठीक है। अब जब मियोसिस सेकंड होगा तो इस ये वाली जो सेल है, ठीक है, इसमें केवल कैरियोकाइनेसिस होगा, क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, क्लियर, ठीक है। हम जानते हैं कि जब मियोसिस सेकंड होगा, और अगर ये दोनों सेल होती तो इससे दो सेल बनती और दो सेल इनसे बनती, इस वाली सेल से बनती, लेकिन ये तो डिजर्नेट हो गई। अब केवल इसी सेल से दो सेल बनेंगे, तो अब इसी सेल से, सॉरी, दो सेल नहीं बनेंगी ये, क्योंकि केवल कैरियोकाइनेसिस हो रही है, तो अब दो न्यूक्लियस बनेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। चूंकि ये सेल
डिजनरेट हो चुकी है, अब केवल ये सेल बची जिसके पास में ये हैप्लोइड न्यूक्लियाई है। ये हैप्लोइड क्या है? न्यूक्लियाई है, क्लियर। अब मियोसिस सेकंड के दौरान केवल कैरियोकाइनेसिस हुई, यानी केवल इस न्यूक्लियस का ही डिवीजन होगा और इस सेल के अंदर अब दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो इस सेल के अंदर अब कितने हो गए? दो न्यूक्लियस हो गए, दो हैप्लोइड न्यूक्लियस हो गए, इज दैट क्लियर। और अब ये जो सेल है, ये जो मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर, अगर आप इसमें ध्यान से देखें, इसमें एक ये और एक ये, दो हैप्लोइड न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो ये जो मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है, ये कैसी है? फंक्शनल है, क्योंकि इससे क्या होगा? एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। हैविंग टू हैप्लोइड न्यूक्लियाई, टू हैप्लोइड न्यूक्लियाई, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, इसको मैं इधर बना लेती हूं, फाइन, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो सैक का, ठीक। तो इसमें डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा और केवल क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस होगी, ओके। तो दो से कितने? चार न्यूक्लियस बन गए, फिर से कैरियोकाइनेसिस, फिर से डिवीजन होगा और चार से कितने? आठ न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब क्या होगा फिर से? ये जो आठ न्यूक्लियस हैं, या आठ न्यूक्लियाई हैं, ये चार स्पोल पर हैं, चार स्पोल पर हैं, तो इन चारों में से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा। तो हम यहां पर तीन न्यूक्लियाई बना लेते हैं ऐसे ही, और एक सेंटर में ही आ गया ऐसे ही। इधर जो चार हैं, इनमें से तीन इधर पोल्स पर और एक सेंटर में, तो एक न्यूक्लियस सेंटर में आ गया और ये तीन न्यूक्लिया यहाँ पोल पर है, क्लियर। सपोज दिस इज माइक्रोपाइलर एंड दिस इज द चिलाजल एंड, अब क्या होगा? सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा और इस तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या सेल वॉल बन जाएगी, ठीक है। और ये सेल्स, तीन सेल्स का फॉर्मेशन हो गया ऐसे ही इधर, ठीक है। और एक ये लार्ज सेंट्रल सेल जिसमें ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, इधर ये क्या है? सिनर्जिट, जिसमें कि ये दो सिनर्जिट सेल और एक ये एग, इधर ये तीन एंटीपोडल सेल हो गई और इस तरीके से ये क्या है? एक एम्ब्रियो सैक बन गया। इस एम्ब्रियो सैक का जो निर्माण हुआ है वो एक ऐसी मेगा फंक्शनल मेगा स्पोर सेल से हुआ है जिसके अंदर दो हैप्लोइड न्यूक्लियस है, इसलिए इस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो क्या कहलाएगा? बाईस्पोरिक। अब हम चलते हैं मोनोस्पोरिक की तरफ। मोनोस्पोरिक में पहले भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैं अगेन फिर से वो कर देती हूँ। हमने ये क्या ली? मेगास्पोर मदर सेल ली, मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉइड है, क्लियर। अब क्या होगा इसमें? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस भी होगा और साइटोकाइनेसिस भी होगा। और अब इस तरीके से दो सेल यानी डायड बन गया। अब क्या होगा? मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा, मियोसिस सेकेंड हो गया, इसमें भी कैरियोकाइनेसिस भी और साइटोकाइनेसिस भी, और अब क्या? टेट्रेड बन जाएगा, माइक्रो सॉरी मेगास्पोर का टेट्रेड, ठीक है। और जिसमें कि तीन सेल क्या हो जाएंगी? डिजनरेट हो जाएंगी। ये तीन सेल क्या हो जाएंगी? डिजनरेट हो जाएंगी और केवल एक सेल, एक मेगास्पोर, ठीक है। ये वाले मेगास्पोर हम इधर बना लेते हैं, इसको हमें इधर बना लिया। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर है, दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। और अगर आप ध्यान दें, इस मेगास्पोर के अंदर केवल एक हैप्लोइड न्यूक्लियाई है, क्या? केवल एक हैप्लोइड न्यूक्लियाई है। अब इसको हम इधर बना लेते हैं, ठीक है, वन हैप्लोइड न्यूक्लियाई, ठीक। अब इससे क्या होगा? डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा और केवल कैरियोकाइनेसिस होगी, तो दो न्यूक्लियाई बन गए। फिर से डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस हो गई, माइटोसिस डिवीजन होगा, चार, फिर से, ठीक है, फिर से तीन बार इसमें डिवीजन हुआ है, तीन बार कैरियोकाइनेसिस हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर एट न्यूक्लियाई बन जाते हैं, फिर अगेन एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर,
ठीक है, तो चार में से तीन न्यूक्लियाई एक तरफ एक पोल पर, तीन न्यूक्लियाई एक पोल पर, ऐसे ही इधर तीन न्यूक्लियाई और बीच में दो न्यूक्लियाई, लास्ट में सेल वॉल का फॉर्मेशन एक साथ, ठीक है ठीक है। तीन सेल का ग्रुप इधर, तीन सेल का ग्रुप इधर। अगर ये माइक्रोपाइलर एंड है तो इस वाले ग्रुप को क्या कहेंगे, एग एपरेटस, और इसको क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल। एग एपरेटस में दो सिनर्जिड सेल और एक एग सेल, और ये क्या है, तीनों एंटीपोडल सेल जो कि चलाजल एंड पर है। तो इस तरीके से आपने देखा इस वाले जो एम्ब्रियो सैक का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, एक ऐसी फंक्शनल मेगा स्पोर से हुआ है जिसके पास में केवल और केवल एक ही हैप्लोइड न्यूक्लियाई है, एक ही हैप्लोइड न्यूक्लियाई है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या कहेंगे इसको, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। इसका एग्जांपल होगा पॉलीगोनम, क्या होगा, पॉलीगोनम, ठीक है। और जो बाई स्पोरिक है ये क्या है, बाई स्पोरिक, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एलियम, एलियम, ठीक है, यानी कि ओनियन, इज दैट क्लियर। और इससे पहले जो हमने क्या पढ़ा था, टेट्रास्पोरिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टेट्रास्पोरिक, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एडोक्सा। सो होपफुली बच्चों को अब ये मोनो बाई और टेट्रास्पोरिक जो है अच्छे से समझ में आ गया है, आ गया होगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको इसमें और डिटेल में पढ़ना है, ये तो मैंने आपको थोड़ा एकदम शॉर्ट में आपको समझाया है, अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो टेट्रास्पोरिक में भी कई टाइप हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं वो आपको करा दूंगी।